ज्ञानधारा हरसोली चैनल से जुड़े समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों, छंद पार्ट स्पेशल इसके अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं कि छंदों को उनके स्वस्वर उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है। साथियों, छंद को जब परीक्षार्थी तैयार करते हैं, याद करते हैं, तो उनको काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। प्रिय छात्र छात्राओं, छंद उच्चारण में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक छंद की अपनी लय और ताल अलग अलग होती है। छंद में यति का भी अपना अलग महत्व होता है और उसी के अनुसार प्रत्येक छंद का उच्चारण भी किया जा सकता है। इस छंद स्पेशल के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि प्रत्येक छंद का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इस सीरीज में आज हम उच्चारण करने जा रहे हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद का। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा और उपजाति जो छंद है इसका उच्चारण किया जाता है। तो साथियों, सर्वप्रथम आज हम इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद का उच्चारण सीखेंगे। इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों के योग से मिलकर बनता है उपजाति छंद। तो हम उपजाति छंद का ही उच्चारण सर्वप्रथम सीखते हैं। तो ये उपजाति जो छंद है इसका लक्षण होगा स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गे, उपेन्द्र वज्रा जत जास्ततौ गे, अनंत रोदित लक्ष्यम भाजौ पादौ यदि या उपजात्यस्ता। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। ये श्याम न विद्या न तपोन दानम, ज्ञानम न सीलम न गुणोन धर्म, ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। तो ये साथियों, ये उच्चारण था उपजाति छंद का, जिसके योग से इंद्रवज्रा दोनों छंद बनते हैं। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इससे जो अगला छंद है उसके उच्चारण को सीखेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हरसोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले